विकास दिव्यकृति सर कहते हैं कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? जब भी हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि वो बहुत ही लकी है और लक की वजह से ही उसको ये सक्सेस मिली है। बट जब आप सक्सेसफुल पर्सन के बारे में सही से स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि उस सक्सेस को पाने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। लाइफ में कोई भी सक्सेस पाने के लिए आपको उसका प्राइस पे करना पड़ता है और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उस प्राइस को पे करके ही सक्सेस को पाते हैं। उनका इनिशियल डेज काफी डिफिकल्ट रहता है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लीजिए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में सक्सेस रातों रात नहीं मिली है। 14 साल की एज से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। अपने पहले ही मैच में वो बॉल लगने से घायल हो गए, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं और पहले मैच में अच्छा स्कोर किया और धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए सीखते सीखते वो आज क्रिकेट के भगवान बन गए। उनको अपनी पूरी लाइफ टाइम में पता नहीं कितनी इंजरी का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद वो रुके नहीं और डटे रहे। सेम चीज हमें भी करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस पाना चाहते हो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज में इम्प्रूवमेंट करना है और आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करके सक्सेस को प्राप्त करना है।